हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस क्लास में बेसिकली हम कवर करेंगे वेक्टर, और वेक्टर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं वेक्टर को यूज करके। जैसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, उसके बाद प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ये कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बेसिक मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में अगर आपको रिमेम्बर है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स कवर किया था। उसमें हमने बेसिक जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, प्लेन है, हाइपर प्लेन, उसमें हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हमने लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, हम कैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन में हम प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने सब लास्ट वीडियो में अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो ये हमारे पास बेसिकली सिंपल लीनियर इक्वेशन है टू डिफाइन ए प्लेन। ये हमारे पास एक हाइपर प्लेन का एग्जाम्पल है, फाई फाई डिफाइन फॉर द प्लेन। और ये हमारे पास देखो फीचर है, जो हमारे पास एन डायमेंशन की फीचर है, जैसे x1, x2, x3, x4, xn। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है बेसिकली वो एन डायमेंशन है। और जो हमारे पास देखो ये वेट्स है, वेट्स भी क्रोसपोंड टू एन डायमेंशन। ये वेट वेट मीन्स ये डब्ल्यू और एम सेम है। देखो ये वेट मीन्स यहाँ पे स्लोप है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ईच डायमेंशन। हमारे पास अलग अलग डब्ल्यू की वैल्यूज है। और ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया, W0 हमारे पास बेसिकली इंटरसेप्ट हो गया। तो ये हमारे पास था लीनियर फॉर्म, लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ ए प्लेन, एक हाइपर प्लेन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब सपोज करो हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। वेक्टर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि जब हम मल्टीपल डायमेंशन में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, सिमिलैरिटी निकाल लेंगे, तब हमें ये ऑपरेशन करने के लिए इस डेटा को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन वेक्टर फॉर्म में होंगे। जब हम डेटा साइंस में मल्टीपल डायमेंशन में डेटा होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम वेक्टर, मैट्रिक्स और टेंसर यूज करते हैं। तो ये प्लेन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इस वे में आ जाता है अपने पास। ये सिंपल वेक्टर फॉर्म है। देखो ये अपने पास था लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म, और इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई अपने पास सेम। ये सेम है, देखो यहाँ पे भी फाई है। देखो प्लेन प्लेन को यहाँ पे भी हम फाई से स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वेट थे W1, W2, WN तक, ये सारे एन डायमेंशन के थे। देखो यहाँ पे भी ये सारा का सारा एक रो वेक्टर है, जिसमें सारे वेट आ गए हैं, और ये एक कॉलम वेक्टर है। और बाय डिफॉल्ट एक वेक्टर कॉलम वेक्टर होता है। बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से वेक्टर बनता है। जैसे ये इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो x1 x2, x1 x2 अप टू xn। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट वेक्टर बनता है xn। ये कॉलम वेक्टर बनता है बाय डिफॉल्ट। इसको रो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये वेट वेट वाला वेक्टर है जो रो फॉर्म में है, इसके लिए हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है कॉलम वेक्टर का। और ये W0 हमारे पास स्लोप है। देखो इस सेम लीनियर इक्वेशन को हम, जो इक्वेशन है हमारी हाइपर प्लेन की, इसको इस वे में भी हम मेंशन कर सकते हैं। इस वे में भी हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब बेसिकली वेक्टर फॉर्म हमें चाहिए क्यों? तो हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं एक। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास टेक्स्ट डेटा है। अब टेक्स्ट डेटा पे काम करने के लिए बेसिकली मशीन लर्निंग को समझ में आते हैं नंबर, न्यूमेरिक डेटा समझ में आता है, और हमारे पास है टेक्स्ट डेटा। तो उस टेस्ट डेटा को हमने क्या करना है, हमें हैंडल करना है, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम डिफरेंट वेक्टराइजर यूज करते हैं, वर्ड एम्बेडिंग यूज करते हैं। वो सारे टॉपिक हम जब मशीन लर्निंग करेंगे, जब NLP करेंगे, तब कवर करेंगे। बट यहाँ पे कि बेस के लिए कि वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किंग वर्ड का। ये किंग हमारे पास एक वर्ड है, स्ट्रिंग का एक वर्ड है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे 2D डायमेंशन डेटा में, सपोज ये 2D डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हम इसके 2D कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी किंग वर्ड की। ऐसे ही एक क्वीन वर्ड है, इस क्वीन वर्ड की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सपोज करो आपके पास सिर्फ 2 डायमेंशन है यहाँ पे इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ये अगले डायमेंशन हम इग्नोर कर देते हैं, और इसको ले लेते हैं फर्स्ट डायमेंशन को एक्स, सेकेंड को वाई। तो हम किंग वर्ड को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बेसिकली वाई डायमेंशन हो गया वाई। तो यहाँ पे देखो किंग वर्ड अब यहाँ पे 0.2 एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे 0.2 आ गया एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम ये एक्सिस ऐसे ले, 0 से 1 तक एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे ही 0 से 1 तक वाई एक्सिस हो गया। तो 0.2 यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से, वो 0.8 वाई एक्सिस पे आया, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास किंग वर्ड यहाँ पे आएगा। अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 2D में, तो किंग वर्ड आ गया अपने पास यहाँ पे। ठीक है, ये देखो किंग वर्ड आ गया अपने पास 2 डायमेंशन में, बट रियल टाइम में हमारे पास एन डायमेंशन होंगे, बट 2 डायमेंशन में भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्वीन वर्ड को। क्वीन वर्ड में देखो जो एक्स की वैल्यू है वो 0.3 है, तो 0.3 समवेयर यहाँ पे लैंड होगा, 0.3 हमारा यहाँ पे आएगा। सपोज करो 0.3 ये आ गया अपने पास।
और वाई एक्सिस में है 0.7, तो 0.7 सपोज करो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये जो हमारे पास, ये देखो ये जो हमारे पास क्वीन वर्ड है ये यहाँ पे आ गया कुछ, ये क्वीन वर्ड आ गया। इसके लिए मैं कलर अलग से यूज कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्वीन वर्ड आ गया बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं क्यू से। अब आप एक देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात कर लेते हैं, अभी एन डायमेंशन में नहीं देते जाते हैं बेसिकली। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 2 डायमेंशन का, तो हम 2 डायमेंशन की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो अगर हम इसके बीच की सिमिलैरिटी निकाल लें, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट पास पास में है, अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। दोनों दोनों जो हमारे पास पॉइंट है देखो पास में है, तो सिमिलैरिटी हाई आएगी क्वीन और किंग वर्ड की। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे एक वर्ड प्लॉट कर लेते हैं, डेटा साइंस। डेटा साइंस, और इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये वाई एक्सिस पे 0.7 पे है और एक्स एक्सिस पे 0.3 पे है। लेट्स अज्यूम कि ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आई, तो वेक्टर यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे 0.7, यहाँ पे आएगा कुछ कुछ ऐसा आएगा 0.7, और वाई पे 0.3 कुछ ऐसा आएगा। तो ये वर्ड हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे ये वर्ड आएगा हमारे पास इस 2D स्पेस के अंदर, और इसको हम डिफाइन कर देते हैं डीएस से, डेटा साइंस वर्ड डीएस। ये वर्ड यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। अब देखो जो क्वीन और किंग वर्ड था उनके बीच में डिस्टेंस था वो कम था, तो वो क्या थे, वो अब उस वेक्टर स्पेस में वो दोनों के दोनों वर्ड पास में थे, उनके बीच में सिमिलैरिटी थी बेसिकली। और ये जो डेटा साइंस वर्ड है ये देखो ये काफी दूर है, अगर हम यहाँ से सिमिलैरिटी मेजर करें किंग वर्ड से, ये देखो कितना दूर है किंग वर्ड से, ऐसे ही क्वीन वर्ड से भी काफी दूर है। तो इस वे में देखो हम वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है ये बेसिकली, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बेस क्लियर हो जाए कि वेक्टर चाहिए क्यों। अब ये 2D वेक्टर था देखो, अब इसमें हमें सिमिलैरिटी निकालनी है, और इसके अंदर अभी हमें डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बट ये मैं आपको बेस बनाने के लिए क्लियर कर रहा हूँ कि वेक्टर चाहिए क्यों। ऐसे कुछ हम टास्क करते हैं, ऐसे काम करते हैं जब हम एनएलपी में काम करेंगे, मशीन लर्निंग में काम करेंगे, कि वेक्टर स्पेस होगा, मल्टीपल डायमेंशन होगा। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने 2D का एग्जाम्पल लिया है। देखो अगर हमने अभी यहाँ पे सिमिलैरिटी निकालते हैं वर्ड्स के बीच में, तो किंग और क्वीन की सिमिलैरिटी कम आएगी, और हम ये देखो विजुलाइज भी कर रहे हैं 2D के अंदर। और अगर हम डेटा साइंस और किंग वर्ड के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस ज्यादा आएगा, ऐसे ही क्वीन और डेटा साइंस वर्ड के बीच में भी डिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो ये बेसिकली बेस है कि हमें वेक्टर चाहिए क्यों। अब देखो डेटा साइंस को समझ में आते हैं नंबर, अब ये ऑपरेशन सारे सिमिलैरिटी डिस्टेंस प्रेडिक्शन और ये जो हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग ये सब नंबर में होता है हमारे पास, डेटा साइंस को नंबर समझ में आते हैं। तो एक वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका वेक्टर बनाते हैं, उसका वर्ड एम्बेडिंग से या फिर वेक्टराइजर, डिफरेंट वेक्टराइजर सिमेंटिक, और अपने पास सिंथेटिक, अपने पास मल्टीपल टाइप के वेक्टराइजर आते हैं, उन वेक्टराइजर को लेके हम एक वर्ड को कन्वर्ट करते हैं नंबर फॉर्मेट में। तो एक एग्जाम्पल है कि वेक्टर चाहिए। इसके बाद हम मूव करते हैं कि वेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन पे। अब हम बात करते हैं वेक्टर और स्केलर की, पहले हम बात करेंगे स्केलर की, स्केलर क्या होता है बेसिकली। अब स्केलर जो होता है देखो, स्केलर में अकेला मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे देखो स्केलर मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मैन, एक मैन ने वॉक किया 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, बट यहाँ पे हमें ये नहीं क्लियर कि इस मैन ने वॉक जब किया था ये राइट डायरेक्शन में वॉक किया था या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया था, कि कैसे वॉक किया था ये मैन, या तो यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर गया 1 किलोमीटर, या ये मैन इधर से स्टार्ट हुआ इधर गया, तो हमें ये नहीं पता ये किस डायरेक्शन में गया, बट इसका हमें ये पता है कि इसने 1 किलोमीटर का वॉक किया है आज। तो ये 1 किलोमीटर का वॉक बेसिकली मैग्नीट्यूड होगा, और ये इसमें हमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये एग्जाम्पल है स्केलर का, स्केलर क्वांटिटी। और मैथ में हम ऐसे स्पेसिफाई करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 स्केलर, सिंपल स्केलर। और जब हमारे पास ये क्वांटिटी, हमारे पास मैग्नीट्यूड है प्लस इसके साथ डायरेक्शन भी है, कि सपोज करो ये हम वॉक वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें पता है कि अच्छा इस मैन ने वॉक किया है और राइट डायरेक्शन में इसने 1 किलोमीटर का वॉक किया है। अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, 1 किलोमीटर वॉक किया है, किस डायरेक्शन में किया है, राइट डायरेक्शन में, इसको हम बोल देंगे वेक्टर। वेक्टर होता है बेसिकली मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। वेक्टर सेम होता है जैसे फिजिक्स में वेक्टर होता है या फिर अपना मैथ में होता है, सेम ही वेक्टर होता है। वेक्टर में दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय डिफॉल्ट एक कॉलम वेक्टर आएगा, बाय डिफॉल्ट ऐसा वेक्टर आएगा। अगर इसको हमें रो में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1, 2, 3, इस वे में रो वाइज भी मेंशन कर सकते हैं ट्रांसपोज की हेल्प से, बट बाय डिफॉल्ट वेक्टर कुछ ऐसा होगा, कॉलम वेक्टर होगा।
अब हम वापस आते हैं अपने स्टूडेंट का डेटा सेट जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। लास्ट डमी डेटा सेट है जो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली डेमो पर्पज के लिए बताया था। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम थी कि इसमें हमारे पास फीचर थे मार्क्स अटेंडेंस, और उसके बेस पे हमें प्रेडिक्शन करनी थी कि एक स्टूडेंट की कैंपस से प्लेसमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो ये सारी क्वांटिटीज थी, जो ये सारे मार्क्स थे अपने पास, और ये अटेंडेंस थी ऐसे ही हमारे पास, ये सारे अटेंडेंस है, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट वेरिएबल है कि यस मीन्स है कि प्लेसमेंट हो रही है स्टूडेंट की, नो मीन्स है कि उसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो अब इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब ये देखो, ये आपको अगर रिमेम्बर है तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ये पॉइंट कुछ ऐसे आएंगे। ये प्लेसमेंट वाले पॉइंट है जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, जो स्टूडेंट है जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, और ये पॉइंट है वो स्टूडेंट के जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। और ये जो दो कोऑर्डिनेट है हर एक पॉइंट में, एक हमारा मास है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट अटेंडेंस है। एक्स एक्सिस पे हमारी मास है, वाई एक्सिस पे अटेंडेंस है। तो ये बेसिकली जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं डेटा पॉइंट का। अब ये डेटा पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड इस वे में निकाल सकते हैं। देखो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया जब हम इस डेटा पॉइंट की बात करते हैं। डेटा पॉइंट मीन्स एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में ये डेटा टू डायमेंशन का है, हर एक स्टूडेंट का मास है और अटेंडेंस है, तो ये टू डायमेंशन का वेक्टर बन गया, उसका ये मैग्नीट्यूड आ गया और उसकी डायरेक्शन ये एंगल थीटा बताएगा। अब हम मैथ में देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, और डायरेक्शन और ये एंगल थीटा कैसे निकालते हैं। ये हमने सेम डेटा पॉइंट, सेम डेटा सेट है हमारे पास। हमने ये देखो एक्स वन एक्स टू टू फीचर है, एक्स वन बेसिकली मास है और एक्स टू क्या है हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस है, और वाई यहाँ पे वाई में देखो हमने जो हमारे पास वाई वाई था आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल में दो क्लास थी हमारे पास कि प्लेसमेंट हो रही है वो येस था, और जो नहीं हो रही है वो नो था। तो येस को हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया, जीरो क्लास बना दिया, नो को हमने वन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन बन गई है। और बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होती है, रिग्रेशन क्या होता है, वो हम मशीन लर्निंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारे पास प्रॉब्लम में हम प्रडिक्शन कर रहे हैं, जो डेटा साइंस की प्रॉब्लम है उसमें हम जब प्रडिक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें दो क्लास है जैसे यहाँ पे जीरो वन है, उसको बोलते हैं टेक्निकली बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। और ये फीचर होगी अपने पास। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अभी हमने लास्ट लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये स्टूडेंट का डेटा जिसके मार्क्स हैं 35%, अटेंडेंस है 40%, और इसका जो स्टेटस है वन है, वन मीन्स इसकी प्लेसमेंट नहीं होने वाली, नो है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है, देखो अपने पास यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मास का गया उसका स्केयर किया, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया अटेंडेंस उसका भी स्केयर किया, दोनों का समेशन किया, एंड में जाके स्केयर रूट ले लिया। इस वे में हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और ये तो टू डायमेंशन का डेटा था, सपोज करो अपने पास एन डायमेंशन का वेक्टर है, जैसे एग्जाम्पल ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टू एक्स एन, तो उस केस में मैग्नीट्यूड या लेंथ निकालने के लिए क्या है, सारे पॉइंट हमने ले लिए, सारे पॉइंट का स्केयर किया, फिर समेशन किया, एंड में जाके स्केयर रूट किया। इस वे से हम एन डायमेंशन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और उसके बाद आते हैं डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन हम एंगल थीटा से निकालेंगे, जो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक कवर करते हैं कि इस डेटा सेट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को टेक्निकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फीचर हैं, एक्स वन एक्स टू, और एक आउटपुट वेरिएबल है। इस आउटपुट वेरिएबल में दो क्लासेस हैं, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम फीचर को डिफाइन करेंगे एक्स आई, ये क्या है, फीचर है, फीचर बिलोंग टू रियल नंबर, देखो ये रियल नंबर है फीचर। और इसका डायमेंशन कितना है, टू डायमेंशन है, तो यहाँ पे आ गया आर टू। ऐसे ही वाई देखो, वाई बिलोंग टू क्लास सी वन एंड सी टू, ये दो क्लास से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आ गया सी वन सी टू, की दो क्लास से वाई बिलोंग करता है। तो इस डेटा सेट को देखो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया फीचर, ये आ गया आउटपुट वेरिएबल, एक्स मीन्स आउटपुट एक्स मीन्स फीचर, वाई मीन्स आउटपुट वेरिएबल, और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, टू डायमेंशन फीचर जो हमारे पास है वो बिलोंग टू रियल नंबर है बोथ के फीचर, और वो टू डायमेंशन है, फीचर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो ये सब रियल नंबर है, और टू डायमेंशन का डेटा सेट है अपने पास, जो फीचर है वो टू डायमेंशन के हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास और फीचर ऐड कर देते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि स्टूडेंट की असाइनमेंट पे परफॉर्मेंस, स्टूडेंट का बिहेवियर और अदर फीचर ऐड कर देते हैं, फिर हमारे पास उतने ही डायमेंशन ऐड हो जाएंगे। बट अभी हमारे पास टू डायमेंशन का डेटा सेट है, और जो आउटपुट वेरिएबल वाई है वो बिलोंग करता है सी वन सी टू दो क्लास से, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन से। तो ये हमारे पास इसी डेटा सेट की टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद आते हैं कि एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ अगेन हमारा 2D डेटा है, हमारे पास दो डायमेंशन है और यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वन वेक्टर है, ए टू वेक्टर है, और दोनों वेक्टर में दो डायमेंशन का डेटा है। देखो जैसे ए वन वेक्टर की बात करते हैं, इसमें देखो ए वन वन ए टू टू दो डेटा पॉइंट है इसमें दो डायमेंशन में, ऐसे ही ए टू वेक्टर में है ए टू वन ए टू टू दो डेटा पॉइंट है।
ये सिमिलर है। जैसे अगर हम स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम से कंपेयर करें, स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम में मार्क्स और अटेंडेंस दो डेटा पॉइंट थे, सिमिलरली यहाँ पे भी दो दो डेटा पॉइंट है। अब बात करते हैं, देखो अब एंगल कैसे निकालते हैं अपने पास, ठीक है। अभी जो A1 वेक्टर है वो भी रियल नंबर बिलोंग करेगा, टू डायमेंशन है। A2 वेक्टर है वो भी रियल नंबर है और टू डायमेंशन है, जैसे हमने यहाँ पे देखा टू टू डायमेंशन के वेक्टर है। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की लीनियर एल्जेब्रा में। जब लीनियर एल्जेब्रा में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर 1 हो गया, वेक्टर 2 हो गया, ये दो वेक्टर हो गए, वेक्टर 1 वेक्टर 2, और वेक्टर 1 का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्यों लिया, बेसिकली इस बाय डिफॉल्ट वेक्टर कुछ ऐसे थे। अगर हम ए यहाँ पे A1 की बात करें तो A1 ये था अपने पास, A11 A12 ऐसे कुछ वेक्टर थे, और दूसरा वेक्टर क्या A21 A22 ये कोऑर्डिनेट थे। सेकंड वेक्टर में ये थे A22, तो कुछ ऐसे वेक्टर थे ना ये हमारे पास। ये वैल्यू बेसिकली यहाँ से आई है, देखो इस वेक्टर की वैल्यू है, ये इस वेक्टर की वैल्यू है। अब इनके बेस में, इनके बीच में अगर हमें डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें एक वेक्टर को रो वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद देखो ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर है ये कुछ ऐसे आ जाएगा, A11 A12 ऐसे कुछ आ जाएगा, और जो सेकंड वेक्टर है वो अगेन अपना कॉलम वेक्टर ही रहेगा जो डिफॉल्ट वेक्टर होता है अपने पास, A21 A22, वो डिफॉल्ट अपना कॉलम वेक्टर ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ से कुछ ऐसा आउटपुट आएगी अपने पास, A11 A21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A11 A21 प्लस यहाँ पे आ जाएगा A21, जो ये क्वांटिटी है सेकंड वाली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी A22, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म में, और डॉट प्रोडक्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है दो वेक्टर का। अगेन देखो दोनों वेक्टर है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, अभी हमने देखा था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कोस थीटा, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, और इसको हम फिर रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये था लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट, और ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, तो हम इस वैल्यू की जगह पे ये लीनियर एल्जेब्रिक वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं, वेक्टर A1 ट्रांसपोज A2 इक्वल टू A वेक्टर मैग्नीट्यूड A2 वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इसके दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वेयर किया, फिर उनका समेशन किया, एंड में जाके स्क्वेयर रूट निकाल लिया, ऐसे ही A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं वापस अपनी इक्वेशन में, जो इक्वेशन थी हमारी यहाँ पे देखो A1 ट्रांसपोज A2 था, तो यहाँ पे A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये बेसिकली डॉट का साइन है, यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक है, ये डॉट का साइन है, और उसके बाद A2 वेक्टर का अपने पास ट्रांसपोज आ गया कोस थीटा, ये कोस थीटा आ गया अपने पास। जो हमारी इक्वेशन थी हमने सिर्फ A1 और A2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A1 और A2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो A1 की जगह पे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज था, तो ये हमारे पास रो वेक्टर आ गया A1 का, ये A2 का वेक्टर आ गया, और ये अपने पास मैग्नीट्यूड से जो वैल्यू आई थी A1 और A2 का मैग्नीट्यूड आ गया कोस थीटा आ गया। अब ये जो वैल्यू आई इसको लेके जाते हैं लेफ्ट साइड में बेसिकली। अब हम इसको सोल्व करते हैं, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे भी किया था, तो इसको सोल्व करके आएगा अपने पास A11 A21 प्लस A12 A22, ये इसको सोल्व करके आया, इसका डॉट प्रोडक्ट आया, और ये क्वांटिटी हमने यहाँ से लेफ्ट साइड में ले आई, तो ये हमारे पास आ गया। तो बेसिकली इसमें हमने जो वैल्यू आई थी हमारी डॉट प्रोडक्ट से उसको डिवाइड कर दिया A1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड और A2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और इधर आ गया कोस थीटा, बट हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो कोस को भी हम इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कोस का इनवर्स, और ये थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। थीटा की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, हम एंगल निकाल सकते हैं इजिली किसी भी दो वेक्टर के बीच में। सपोज करो स्टूडेंट वाली ही प्रॉब्लम पे बैक जाते हैं, तो वहाँ पे टू डायमेंशन वेक्टर था, तो जैसे ये हमारा टू डायमेंशन का डेटा है, अब एन डायमेंशन में इसको हम एन डायमेंशन में भी विजुलाइज कर सकते हैं, जितने भी वेक्टर में डायमेंशन है उनका डेटा यहाँ पे पुट करेंगे और ये वैल्यू निकाल दिए फिर। अब आते हैं वेक्टर, अगर हमारे पास वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री है, जैसे A2 वेक्टर है A1 वेक्टर है, सपोज करो इनमें 90 डिग्री का एंगल है, इस केस में हम बोलेंगे कि ये बेसिकली परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो यहाँ पे देखो अगेन इक्वेशन हमारे पास थ्री ए थी, इक्वेशन थ्री थी, A1 ट्रांसपोज A2, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब इसमें हमने बोला कि A1 और A2 दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि ये एंगल जो अपने पास है थीटा 90 डिग्री का है,
अब 90 डिग्री में, अब कोस में कोस थीटा है, अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो कोस 90 डिग्री हो गया जीरो। अब यहाँ पे क्वांटिटी होगी जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ, दोनों वेक्टर के, तो एक ओवरऑल क्वांटिटी जीरो बन जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर का जीरो हो जाएगा अगर वो वेक्टर परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। वो एक ही बात है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर मीन सेम चीज, सेम। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। अब ये एक वेक्टर है एक्स टू। अब एक्स टू वेक्टर का सपोज करो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और लेंथ सिर्फ वन होती है। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और लेंथ वन है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और वो बेसिकली फिर पर्पस क्या है यूनिट वेक्टर का, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, वो वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है विदाउट एनी स्केलिंग फैक्टर। अब उसमें देखो मैग्नीट्यूड तो वन है, कोई स्केलिंग फैक्टर नहीं है, सिर्फ वो डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जैसे ये एक्स वन वेक्टर है, अगर इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो कुछ ऐसा इसका एक्स टू यूनिट वेक्टर आएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो उसमें देखो सपोज करो ये एक्स टू हमारे पास यूनिट वेक्टर है, और ये एक्स टू को निकालने के लिए हमें क्या करना है, वेक्टर लिया हमने जिसके कोरस्पोंडेंस हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, एक्स वन लिया है हमने वेक्टर, उसको डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, एक्स वन का मैग्नीट्यूड से। अब ये हमारे पास एक्स वेक्टर था, एक्स वन वेक्टर था, इसमें वैल्यू थी वन और टू। अब हमने यहाँ ट्रांसपोज लिया क्योंकि हम यहाँ पे रो वेक्टर, एज ए रो वेक्टर इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट एक वेक्टर कॉलम वेक्टर होता है। उसके बाद हमने ले लिया इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लिया इसका, देखो इसमें दो दो अपने पास दो कोऑर्डिनेट थे, इसमें दो टू डायमेंशन का वेक्टर था अपने पास, ये वन और टू, दोनों का स्केयर लिया, समेशन किया, उसके बाद स्केयर रूट कर दिया, तो ये देखो हमारे पास आ गया √5। तो यहाँ पे देखो क्या किया, अब वेक्टर की वैल्यू क्या है, वन और टू है, उसको डिवाइड किया मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास √5। अब इसमें जो दोनों क्वांटिटी है उन दोनों को हमने √5 से डिवाइड किया, इसकी हेल्प से अब हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वन वेक्टर। ये एक्स वन वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर आ गया एक्स टू। ये फॉर्मूला है, इसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। सेम वे में हम किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आते हैं एडिशन पे कि सपोज करो हमें एडिशन करना है दो वेक्टर का। अब दो वेक्टर का अगर हमें एडिशन करना है तो उसके लिए सबसे पहली प्रीरिक्विजिट आती है कि दोनों वेक्टर सेम डायमेंशन के होने चाहिए। अगर एक वेक्टर ज्यादा डायमेंशन का है, एक कम डायमेंशन का है, तो हम उसमें एडिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडिशन जो होती है वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट होती है वेक्टर के अंदर। अब जैसे एक वेक्टर है 3 डायमेंशन का, उसमें एक फर्स्ट डायमेंशन है, सेकंड है, थर्ड है, जब वेक्टर से वेक्टर में ऐड करेंगे तो दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे वो भी 3 डायमेंशन का चाहिए। उसका जो 1 डायमेंशन, जो फर्स्ट डायमेंशन है, वो फर्स्ट डायमेंशन में ऐड होगी, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, इस वे में ऐड होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे मेंशन है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर इन्वॉल्विंग कंबाइनिंग द कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर टू क्रिएट ए न्यू वेक्टर। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट मीन्स उसकी जितनी डायमेंशन है उनको कंबाइन करते हैं, उसकी हेल्प से नया वेक्टर बनाते हैं, रिजल्टेंट भी नया वेक्टर होता है। और जो नया वेक्टर है उसमें बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कंबाइन इफेक्ट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास उसको हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले डिस्प्लेसमेंट, तो ये बेसिकली जो आउटपुट है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो कंबाइन इफेक्ट हमारा डिस्प्ले करेगा अलग अलग वेक्टर का। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर ले लेते हैं, ए और बी, दो वेक्टर है अपने पास। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, जो स्टेप होते हैं, देखो कि दोनों वेक्टर हमारे पास सेम डायमेंशन के होने चाहिए। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर को एज ए रो वेक्टर, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पीपीटी में स्पेस का इशू है, तो हमने ये क्या किया इसको, अभी भी इसको कॉलम वेक्टर की जगह हमने इसको रो वेक्टर बना दिया। बट एडिशन कुछ ऐसे होगी इसकी, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया 4 2 1, ऐसे ही अपना सेकंड वेक्टर हो गया, इसमें आ गया अपने पास वैल्यू −1 3 और 5। अब इसके बीच में जब हम एडिशन करेंगे तो ये देखो हर एक डायमेंशन में होगी एडिशन। जैसे फर्स्ट डायमेंशन में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे −1 है, तो 2 −1 हो गया, तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 + 3 हो गया। ऐसे यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है, 1 + 5 हो गया यहाँ पे, तो आउटपुट कुछ ऐसी आएगी अपने पास, 1 आ गया है, 7 आ गया है और 6 आ गया है, कुछ ऐसी आउटपुट आएगी अपने पास। देखो यही सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ रही है, तो यहाँ पे भी देखो इस तरह से हमारा वेक्टर का एडिशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे में हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको सब्सट्रैक्शन भी करके दिखाता हूँ कि हम सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं वेक्टर की। अभी देखो यहाँ पे वेक्टर लिया और ये वेक्टर को हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस डायग्राम की हेल्प से, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, बेसिकली 0 0 है,
तो यहाँ से हम मूव किए सपोज करो उस डायरेक्शन में एक्स वन पॉइंट तक, तो ये हमारे पास देखो डायरेक्शन भी आ गई और ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, तो एक वेक्टर बन गया। इस वेक्टर की वैल्यू है 3 और 4। फिर हम इस डायरेक्शन में भी मूव करें सपोज करो यहाँ से x0 से x2 में, तो यहाँ पे इस वेक्टर की वैल्यू बन गई 1 और 2। नाउ हमें क्या करना है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें x2 से x1 पे मूव करना है, तो बेसिकली हमें इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ये 2 डायमेंशन वेक्टर है, देखो ये वेक्टर गिवन है x0 to x1, x0 to x2 गिवन है, x2 to x1 वेक्टर हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, देखो अब हम अपने पास सिंपल अपने पास जो हमारे पास टिग्नोमेट्री होती है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो टिग्नोमेट्री में ये हमारे पास एक्सिस आ गई x0 x2, ये हमने पुट की। फिर दूसरी एक्सिस आ गई अपने पास x2 x1, ये हमने यहाँ पे पुट किया। फिर तीसरी एक्सिस अपने पास आ गई x0 to x1, ये हमने पुट किया। और ये एरो का मीनिंग है कि ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x0 to x2 वेक्टर की वैल्यू है 1 और 2, और x0 to x1 वेक्टर की वैल्यू है 3 और 4, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। और ये हमें वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को इधर लेके चलते हैं राइट साइड में, अब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखो अब इन दोनों वेक्टर में हम अब बेसिकली सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे जो ये वेक्टर है इसमें से सेकंड वाला वेक्टर, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और 4 - 2 हो जाएगा 2, तो रिजल्ट वेक्टर अपने पास आएगा 2 2। इस वे में देखो हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्शन पे, अब यहाँ पे हम प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो एक वेक्टर आया x1, ये x1 वेक्टर है, ये x2 वेक्टर है, दो वेक्टर है अपने पास। अब ये ओरिजिन है हमारे पास यहाँ पे, अब ये एक वेक्टर था जो x1, इस पे हम x2 वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो ये x2 वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। अब ये देखो ये प्रोजेक्शन है, ये जो डॉट, ये डॉट वाली लाइन है ये प्रोजेक्शन है, ये वेक्टर नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन को हम डिफाइन करेंगे x2 डैश के साथ, x2 डैश के साथ। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला है पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कौन से वेक्टर का जिसके हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं x2 की, तो x2 का मैग्नीट्यूड निकाला। उसके बाद cos थीटा आया, फिर जिस वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन हमारी प्रोजेक्शन जिस वेक्टर से के साथ निकाल रहे हैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हमारे पास पड़ रही है, उस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर ले लिया। ये देखो ये x1 कैप मीन्स क्या है, ये x1 वेक्टर था, इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेसिकली, उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट वेक्टर का, और उसमें ओनली डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड 1 होगा वो डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे कुछ x1 कैप यहाँ पे आ जाएगा कोई यूनिट वेक्टर की फॉर्मेट में। अब देखो थ्योरी में अगर बात करें, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1 इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1 विद सेम डायरेक्शन एज x1। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि जो x2 है, x2 की जब प्रोजेक्शन हम देखेंगे x1 पे, वो एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोजेक्शन होगी x2 की x1 के ऊपर, और उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो x1 की डायरेक्शन है। अब इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे x1 वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, उसमें हमने वेक्टर को पुट किया, उसको डिवाइड किया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, इसके साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वे में हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या कवर किया है, आज हमने देखा है कि वेक्टर के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक था मैथमेटिक्स का, जब हम इसको रियल टाइम इंडस्ट्री में यूज करेंगे तब हमारे पास लाइब्रेरीज बनी बनाई हैं, उन लाइब्रेरीज में हम ये सारे ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली होंगे। बट हमें बेस बनाने के लिए कि हमें हमें बेसिकली हमारा बेस क्लियर होना चाहिए कि ये ऑपरेशन होते कैसे हैं। रियल टाइम में क्या है, लाइब्रेरीज बनी है, सपोज करो हमने डायमेंशन रिडक्शन करना है या हमें सिमिलैरिटी निकालनी है, वो सब लाइब्रेरीज बनी हुई है, सिंपली हमें उनको इम्पोर्ट करना है, लाइब्रेरी यूज हो जाती है। बट बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, वो बेसिक क्लियर करने के लिए, वो इमेजिनेशन बिल्ड करने के लिए हमने ये सारे के सारा मैथमेटिक्स आपको करा रहे हैं, ताकि आपका मैथ का बेसिक क्लियर हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।